हरि शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निरवान शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणेन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं वृंदावनेश्वरमुकुंद मनोज्ञवेश वंशी विभूषितकरांबुज पद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम्। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरुनारायण नारायण नारायण सद्गुरुनारायण नारायण नारायण सद्गुरुना
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्न भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री भाव भावेश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जीवन सर्वस्व आराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। आदरणीय पूज्य सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन वंदन। श्री उद्धव जी महाराज के पूछे जाने पर उनको ज्ञान वैराग्य भक्ति पर दिव्य संदेश प्रदान किया। उसी क्रम में श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से प्रश्न पूछा है, यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं। भगवान ने कहा कि यम और नियम ये बारह बारह प्रकार के हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय असंगह रीह असंचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम्। ये बारह तो यम हैं और बारह ही नियम हैं। वैसे तो नियम शब्द से यदि अर्थ विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि आपके जीवन का नियम क्या है, आप क्या रोज करते हो। तो नियम का यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं, शौचम जपः तपो होमः श्रद्धा आतिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम पराहेया तुष्टि आचार्य सेवनम। ये बारह के बारह नियम है। शौचम बाह्याभ्यंतरम चेति द्वयम्। मैं गिन के आज देख रहा था, यम तो बारह के बारह अलग अलग समझ में आ जाते, नियम ग्यारह ही निकल रहे थे। तो जब श्रीधर स्वामी पाद को देखा तो तुरंत अर्थ लगा कि शौचम बाह्याभ्यंतरम चेति द्वयम्। ये शौच जिसे कहते हैं वो दो प्रकार का है, बाही और आभ्यंतर। बाही पवित्रता और अंतर पवित्रता। बाहर भी हमारा शरीर भी पवित्र रहे, वस्त्र भी पवित्र रहे, विचार भी पवित्र रहे, हमारा चिंतन भी पवित्र रहे। ये बाह्याभ्यंतर की पवित्रता का नाम ही शौच है। तो दो तो ये हो गए, अंतर और बाहर की पवित्रता। जपः, ये जप भी
गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र नाम, उसका जप, उसको बार बार उच्चारण करना और तपः हमारे जीवन में सहन शक्ति, तप, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, इसे तप की भी बड़ी आवश्यकता है। और होम, श्रद्धा आतिथ्यम मदर्चनम, वैसे तो श्रद्धा की जितनी आवश्यकता है उतनी शायद साधनों में और किसी की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो मंगलाचरण में ही भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ये श्रद्धा तो वैसे श्रद्धा शब्द का अर्थ तो ये है जो सत को धारण करने वाली वृत्ति है, वह नियम में हमारे जीवन में श्रद्धा हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमारे अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, इतने नज़दीक परमात्मा है, किंतु श्रद्धा के अभाव में आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हो। जो इतने नज़दीक है, हमारी आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, किंतु उस परमात्मा का भी दर्शन बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। तो हमारे जीवन में श्रद्धा बनी रहे। कभी श्रद्धा यदि जाने लगे तो एक महात्मा कहते तुरंत सावधान हो जाना। एक महात्मा के सेवा में जिनके मैं था, तो मैंने किसी महात्मा को उनके सामने टिप्पणी कर दी, तो दूसरे महात्मा ने जिनके सामने टिप्पणी की थी बोले बेटा तुम्हारा कल्याण इसी में है कि थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि तुम यदि अश्रद्धा से भरोगे तो तुम्हारा जीवन मिट जाएगा। तुम थोड़ी दूरी बनाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से श्रद्धा समझ में आएगी। तो श्रद्धा हमारी पूंजी है और इस पूंजी को कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। और आतिथ्यम मदर्चनम, आतिथ्य का अभिप्राय जो हमारे जीवन में आने वाले लोग हैं जिनके आने की तिथि नहीं है, ये हम लोग कई बार कहते हैं रिश्तेदार लोग या अतिथि नहीं है, इनके तो आने की तिथि होती है कि कब आएंगे कब जाएंगे। अतिथि उसका उसका नाम है जिनके आने की कोई तिथि नहीं है। और हमारे सामने कौन कब मांगने आ जाएगा इसकी कोई तिथि है? कौन सामने आकर के याचना करेगा कि ऐसी? ये अतिथि हैं। कभी भूखा व्यक्ति आ जाए, कभी दीन दुखी व्यक्ति आ जाए, उसका तुरंत स्वागत होना चाहिए। और यदि अधिक कुछ न दे सके तो कम से कम मीठी वाणी तो बोलनी चाहिए। वैसे तो शास्त्र यह कहता है कि आपके सन्मुख यदि कुछ मांगता है कोई तो हो सके तो दो, नहीं धो दे सकते हो तो कम से कम कड़वा मत बोलो, और स्थान दो, पानी पिला दो, उसको सम्मान दो, कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में आतिथ्य सेवा, अतिथि की सेवा बनी रहनी चाहिए। और मदर्चनम माने भगवत अर्चनम, भगवत पूजनम, भगवान की पूजा होनी चाहिए। यदि आप देखेंगे, और इसमें नियम है जी, हमने तो पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज से एक बात सुनी थी कि अपने जीवन के जो नियम हो उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वो पूज्य डोंगरे जी महाराज सुनाते थे कि जब ध्रुव जी महाराज राज्य देकर अपने पुत्र को बद्रिकाश्रम में तप कर रहे थे, तो उनका एक नियम था। उनका नियम ये था कि रोज वो पूजन आदि करने के बाद, जप आदि करने के बाद, बद्रिकाश्रम में जितने संत थे सबको प्रणाम करने जाते थे।
और कहते थे कि आपकी कृपा से भगवान मिले हैं। आप यदि अनुग्रह नहीं करते, देखो जो जो भगवत प्राप्त और जो महापुरुष होते ये नहीं कहते मैंने पुरुषार्थ किया था, मैंने तप किया था तो परमात्मा मिले। आपकी कृपा से मिले, भगवत कृपा से मिले, परमात्मा पुरुषार्थ से मिलते भी नहीं हैं, और कौन से तप से मिल जाएंगे परमात्मा। तो संतों के पास जाकर के पूज्य डोंगरी जी महाराज कहते थे कि प्रणाम करके रोज कहते थे कि आपके अनुग्रह से श्री ठाकुर का दर्शन हुआ है, आप कृपा से। और एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जैसे पूजन करके निकले तो सामने महाराज की कुटिया के सामने दिव्य विमान खड़ा था, चार चार भुजा वाले सब पार्षद खड़े थे और कहा कि बस अब आप भगवत धाम चलो, भगवान आपसे मिलने के लिए आतुर हैं, भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवत प्रेम होने के बाद भी उन्होंने कहा अभी हमारा नियम नहीं पूरा हुआ है, आप ठहरो, हम नियम पूरा करके आते हैं। नियम पूरा करके हमने तो एक महापुरुष से ये भी सुना है कि एक सज्जन का महात्मा का शरीर पूरा हो गया किंतु जैसे उनके नियम का समय आया तो अपने आप बैठ गया वो, महर्षि ने सुना नियम का शरीर निकल, प्राण निकल गए हैं और नियम का इतना पक्का कि शरीर बैठकर नियम कर रहा है। तो हमारे जीवन में कुछ तो नियम होने चाहिए, ये नहीं कि महाराज सब जगह भगवान है, क्या किसका जप करना है, किसका पूजन करना है, किसका ध्यान करना है, कुछ नियम बना के रखें। जप का नियम बना के रखें, स्वाध्याय का नियम बना के रखें, ऐसे ये जीवन में नियम हो कि हमारे जीवन में रोज भगवत पूजन होगा। मदर्चनम, अरे षोडशोपचार पूजा न कर सके तो पंचोपचार ही सही, पंचोपचार न कर सके तो कम से कम दो पुष्प तो चढ़ा दे। वो हमारे यहाँ एक महापुरुष हैं पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, वो रोज का उनका नियम है, सभी मंदिरों में पुष्प चढ़ाते हैं, महर्षि के यहाँ पूजन चढ़ाने जाते हैं। अब एक दिन छोटा एक बालक पुष्प चढ़ा रहा था महाराज जी के चरणों में, तो हमने कहा कि तुम पुष्प चढ़ाने आते हो, बोले रोज चढ़ाने आता हूँ। तो हमने कहा तुम अपने मन से आते हो, किसी ने तुम्हें प्रेरणा दी है? तो बाद में पता चला कि वो ड्यूटी स्वामी महेशानंद जी महाराज उस बालक की लगा रखी, सेवक का बालक है, कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक मेरे बदले के पुष्प रोज तुम चढ़ाओगे। तो हमको लगा कि ये देखिए महापुरुषों का एक नियम कि हम भले नहीं रहें तो हमारे बदले से कोई ना कोई पुष्प चढ़ा रहा है। तो आप रोज पुष्प चढ़ाना है, रोज प्रणाम करना है, पूजा करना है, ये निश्चित रूप से अपने जीवन में रहना चाहिए, ये नियम है। तीर्थाटनम, तीर्थाटनम का अभिप्राय ये है, तीर्थ यात्रा जिसे कहते हैं वो तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, परार्थेहा, दूसरों के उपकार की चेष्टा, हमसे कुछ भी उपकार हो सके, ये नियम में है। इस शरीर के माध्यम से किसी का उपकार हो सके ये भी प्रयास करना चाहिए। और तुष्टि ही, तुष्टि का ही प्राय है जीवन में संतोष होना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी विडंबना है कि हमको संतोष ही नहीं है। अच्छा, जहाँ संतोष होना चाहिए वहाँ संतोष नहीं है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ है, भजन में संतोष ना हो। अब एक जगह पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के पास गए थे, उन साधकों ने हमको बताया कि जिनके अनुचर में सेवा करते थे, बोले हमारी साधना से, हमारे भजन से उनको संतोष नहीं था। तो मुझे लगा कि सचमुच में हमको धन में संतोष नहीं है, मान सुविधा में संतोष नहीं है, किंतु भजन में संतोष हो जाता है। एक महापुरुष हमको शुक्ताल में मिले, वो बात परोसी तो उन्होंने महाराष्ट्र के नाम पर, किंतु अब महाराष्ट्र का स्वाध्याय करता रहता हूँ तो मैं स्वाद जानता हूँ उनका और शैली जानता हूँ। वो निश्चित रूप से बात महाराष्ट्र की नहीं थी, किसी संत की थी, किंतु उनको लगा कि मैं महाराष्ट्र को मानता हूँ तो महाराष्ट्र की बात कही,
और हमको लगा कि कभी युक्ति में बोल भी सकते हैं। उन्होंने कहा महर्षि यहाँ सुक्ताल में आए हुए थे, तो मैं चक्र जी के साथ महाराज जी के पास गया। चक्र जी हमको ले गए, कोई ब्रह्मचारी रामधारी जी थे, उनकी वो सेवा में रहते थे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, वो महात्मा कहते महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हमको, क्योंकि जो एक संत थे वो मौन रहते थे, तो मौन रहते थे, वो एक स्लेट रखते थे उसमें लिखते थे। तो कहा ये लो इसमें भोजन और भजन लिखो। भोजन लिखा और भजन लिखा। तो भोजन और भजन लिखने के बाद कहा कि भोजन और भजन में फ़र्क क्या है। भोजन में जो लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा, मैंने महाराज जी को कहा कि भोजन और भजन में फ़र्क इतना है कि भोजन में तो मात्रा है किंतु भजन में मात्रा नहीं है। भोजन में मात्रा है, ओ की मात्रा है, अगर ओ की मात्रा हटा दी जाए तो भोजन भजन हो जाएगा, और भजन में मात्रा नहीं है। तो उन्होंने कहा बस यही संदेश है तुम्हारे लिए, यही उपदेश है कि भोजन में तो मात्रा रखो किंतु भजन में मात्रा की जरूरत नहीं है। अभिप्राय क्या है कि भोजन में तो हमारे मन का स्वादु मिल जाए तो फिर कोई मात्रा नहीं है, किंतु भजन में तो गुरुजी ने हमको एक माला बताई है उतनी ही जपना है, दो माला जप बताई है उतनी ही जपना है, तीन मात्रा माला बताई है तो उतने ही जपना है। अरे जितना अधिक से अधिक हो सके। गुरुजन तो इसलिए कम बताते हैं कि गुरुजन आज्ञा का अवहेलन न हो, आप अधिक से अधिक करो। भजन में आप मात्रा की आवश्यकता नहीं है, जितने अधिक से अधिक कर सको करो, भोजन में मात्रा की आवश्यकता है। ऐसे ही अपने जीवन में ध्यान रखना है, संतोष सम्मान में करना है कि जितना ठाकुर जी ने दिया बहुत है हमारे पास, सुविधाएँ जितनी हमको दी हैं इतनी तो किसी के पास में नहीं है। हमको तो महाराज कई बार यात्रा करते करते देखता हूँ तो गदगद हो जाता हूँ। कभी दिल्ली के पास सुबह सुबह पहुँची ट्रेन गर्मियों के समय में, तो हम देखते हैं बिल्कुल महाराज रेलवे स्टेशन में रेलवे लाइन के बगल में बिस्तर लगा के लोग सो रहे हैं। कई लोग तो लाइन में सोते हैं और उनके पास रहने का स्थान नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, भोजन की सुविधा नहीं है, ऊपर छाया नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं और जीवन गुजार देते हैं। छोटी छोटी जगह पर जब मैं देखता हूँ तो मैंने कहा वाह ठाकुर आपने तो सब कुछ कृपा करके दिया है। तो जब उनको देखते हैं तो निश्चित रूप से अपने पास में जो है वो ज़्यादा लगता है, और यदि आप अपने से बड़ों को देखने लगोगे तो लगेगा कि अरे उनके पास तो ये, हमारे पास ये नहीं है। तो निश्चित रूप से अपने चित्त को संतोष के धन से भर के रखो, तुष्टि अपने जीवन में बनी रहनी चाहिए। और आचार्य सेवनम, गुरु की महर्षि ने आचार्य सेवनम का अर्थ यहाँ निश्चित रूप से गुरु सेवा ही की है। आचार्य माने गुरु, आचार्य की सेवा करते रहो। आप कहोगे गुरु की सेवा कैसे, महर्षि ने एक बात और बड़ी विलक्षण कही, बोले जो स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं होता कुछ नहीं कर सकते, बोले अगर स्वस्थ होते तो हम गुरु जी के पैर दबाते, और जिनके पास धन होता है महाराज वो कहते पैर दबाते, जिनको पैर दबाने का सामर्थ्य वो कहते मेरे पास धन होता तो मैं धन से सेवा करता। ईश्वर ने जो हमको दिया है, हमारी जो योग्यता है उससे हमारे गुरु की सेवा होती रहे, ये नियम है। यहाँ कहते हैं एते यमाह सनियमा उभयोर द्वादश स्मृतः, ये दोनों के दोनों बारह बारह हैं, यम भी बारह हैं और नियम भी बारह ही हैं। पुंसाम उपासितस्तात हे तात, अगर किसी मनुष्य के पुरुष के द्वारा इनकी उपासना होती है अर्थात इसका पालन करते हैं तो निश्चित यथा कामम दुहंत ही, उनकी जो कामना होती है वो कामना की पूर्ति होती है। आप कहेंगे नियम के पालन करने से मिलेगा क्या, मानो कोई कहे कि पवित्रता से क्या मिलेगा, जप से क्या मिलेगा, तप से क्या मिलेगा, बार बार रटने से क्या होगा, होम से क्या मिलेगा।
श्रद्धा आतिथ्य सेवन से क्या मिलेगा, भगवद अर्चन करने से क्या मिलेगा, तीर्थाटन करने से क्या मिलेगा, परोपकार करने से क्या मिलेगा, संतोष से क्या मिलेगा। तो भगवान बता रहे हैं पुंसाम उपासिता तात यथा कामम दुहंति ही। यदि उसके जीवन में जैसी कामना होगी, मानो इन साधनों से यदि मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा और संसार भी चाहोगे तो संसार भी मिल जाएगा। किंतु हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने इसमें एक बात बड़ी अद्भुत लिखी है, यद्वा उभयो प्रवृत्ति निवृत्तयो हो मुमुक्षयोर यमा मुख्याः। जो मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए यम मुख्य हैं, अर्थात जिनको मोक्ष की कामना हो उनके जीवन में जो 12 यम हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय और असंगता घृह संग्रह न करना आस्तिक्य ब्रह्मचर्य मौन क्षमा अभय, ये निश्चित रूप से ये सब जितने हैं ये मोक्षार्थी के लिए हैं, जो मोक्ष प्रदान मोक्ष चाहता है उसके लिए हैं। और सकामस्य नियमाः मुख्याः, जो सकाम लोग हैं जो अपनी कामना, क्योंकि मोक्षाविलासी व्यक्ति कामना की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करता है, क्योंकि कामना के रहस्य को जानता है। मोक्षाविलासी वही हो सकेगा जो संसार के रहस्य को जान जाएगा, जानता है कि यहाँ की कुछ भी प्राप्ति प्राप्ति ही नहीं है। आपको बताएं स्वप्न जगत की प्राप्ति कितनी भी हो जाए, जागृत के बाद वो क्या मिलेगा उसको। ऐसे संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, ये जागने के बाद मिलेगा क्या? हाथ कुछ भी नहीं लगता है। सपने होए भिखारी नप, राज रंग पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, जिम प्रपंच जग जोय। तुलसीदास जी महाराज कहते बस ऐसे ही है जैसे स्वप्न का जगत है। तो जितने मोक्षार्थी लोग हैं वो तो ये जगत की प्राप्ति में लगते नहीं हैं। इसमें जगत की प्राप्ति में चाहे संसार हो व्यक्ति का, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, इसका कोई महत्व नहीं है। कितना भी इकट्ठा कर लो जागने के बाद कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो मोक्षार्थी लोग हैं उनकी प्रवृत्ति इसमें यम में है। और जो सकाम लोग हैं, यही कह रहे हैं मुख्या स्मृता महाराज स्मृता इत्यर्थः सकामस्य नियमः। सकाम से महाराज सकाम जो है उनके लिए नियम है, जो नियम का मैंने वर्णन किया, बाह्य अभ्यंतर पवित्रता है, जप है, तप है, होम है, ये सब सकामता कामना की पूर्ति के लिए सब साथ, तीर्थाटन है और परोपकार है, संतोष है, ये गुरु सेवा, ये भी सकामता है। इससे भी हमको तो कई बार लगता है कि दोनों ऐसे हैं, गुरु की सेवा करने से भी निश्चित रूप से जो जो उनकी कामना होती है वो पूरी हो जाती है, संसार की कामना भी पूरी हो जाए। हमने पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज से एक बार प्रश्न किया, प्रश्न ये था, बंबई में हम लोग थे, हमने कहा बड़े बड़े महात्माओं के साथ कई दीर्घ काल तक सेवा करने के बाद भी लोगों का जीवन क्यों नहीं बदलता। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ इतने काल से सेवा कर रहे हैं, पंडित से मैंने पूछा, किंतु महापुरुषों की सेवा का इतना वर्णन है, गुरुजनों की सेवा का इतना वर्णन है, इतनी महिमा है उसकी, आपको हम क्या कहें। गुरु सेवा की तो इतनी महिमा है, कुछ पूछो नहीं, किंतु जीवन नहीं बदलता। वही काम किंकर, वही क्रोध किंकर, वही लोभ किंकर, सब महाराज काम क्रोध लोभ के दास बने बैठे रहते, छोटी छोटी बात में कुपित होते रहते, राग द्वेष की सृष्टि करते रहते। तो पूज्य पंडित जी महाराज ने बड़ी रसीली बात बताई, बोले वो बम्बई से ट्रेन जाती है ना दिल्ली, तो बम्बई स्टेशन से जो ट्रेन में चढ़े तो क्या सब के सब दिल्ली पहुंच जाएंगे। पंडित जी ने प्रश्न किया कि सब दिल्ली पहुंच जाएंगे, हमने कहा महाराज जी जिस स्टेशन की टिकट ली होगी उसी स्टेशन तक उतर जाएंगे वो। बोले बस यही है, गुरु सेवा करके जिसने जिस स्टेशन की टिकट ली है, अगर उसको, कई लोगों को तो होता है हमारा मान सम्मान में बढ़े,
तो गुरुजनों की कृपा से वो भी बढ़ जाता है। और कई लोगों को महाराज लगता है कि लोग हमारी हमको धन मिले तो गुरु कृपा से वो भी मिल जाता है सेवा से। किंतु जिनको मोक्ष चाहिए, मोक्ष तो अंतिम स्टेशन है, मोक्ष अंतिम स्टेशन है, ये सब बीच के स्टेशन है, छोटे छोटे स्टेशन। तो जिनको जिन्होंने मोक्ष की टिकट ली है उन्हीं को मोक्ष मिलेगा, अथवा जिन्होंने अपने जीवन को सुधारने के लिए गुरु का संग किया है कि हमारा जीवन सुधर जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब हमारे दोष नष्ट हो जाए, तो उनके नष्ट भी होंगे। और ऐसा नहीं कि महापुरुषों के साथ नष्ट नहीं होते हैं, होते ही है, जीवन बदलता ही है। किंतु कामना क्या है, इसलिए कहा ये जो नियम है ये सब सकामता की ओर है, आपकी कामना, इसलिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं पुंसाम उपासिता तात। हे तात, बहुत प्यार का संबोधन इनको कर रहे हैं, हे तात, ये जो उपास हमारा पुरुष उपासना करने वाले जो पुरुष लोग हैं, अर्थात इनका पालन करने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन यथा कामम दुहंति ही, जो कामना होती है उस कामना की पूर्ति उससे वो कर लेते, कामना की प्राप्ति हो जाती है। तो ये यम नियम आसन ये जितने महाराज हैं, ध्यान दीजिएगा, ये संसार की कामना भी पूर्ति करेंगे और आपको मोक्ष भी प्रदान कर देंगे। अब बाद में भगवान सम का वर्णन करते हैं, दम का वर्णन करते हैं, और हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने तो इनका अर्थ बहुत खोला है। समो मन निष्ठता बुद्धिर, भगवान करे सम जानते हैं किसका नाम है, सम माने आंख बंद करके चित्त को शांत करना नहीं है, मन को शांत करना नहीं है कि आंख बंद करके आप प्राणायाम आदि याद करके मन को एकदम शांत कर दिए, मन संकल्प विकल्प छोड़ दिया, ये कितनी देर के लिए छोड़ेगा, थोड़ी देर के बाद फिर वही संकल्प विकल्प करेगा। भगवान कह रहे हैं समह मन निष्ठता बुद्धिर, मन निष्ठता बुद्धिर का अभिप्राय यह है निश्चित रूप से मुमुक्षु व्यक्ति जब सम का पालन करता है तो वह द्वैत का नष्ट हो जाए, बुद्धि में दो मिट जाए, बुद्धि में केवल एक निष्ठता आ जाए। मन निष्ठा माने भगवन निष्ठ, आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक ही है, ये मन निष्ठा है। जब ऐसी निष्ठा बन जाती है, और जब तक ऐसी निष्ठा नहीं बनती है तब तक आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती भी नहीं है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति निश्चित रूप से इसी से होती है। महर्षि ने एक बात बड़ी रसीली यहाँ बताई है कि कई लोग यह सोचते हैं कि पहले शरीर का अहंकार मिटा लें और अहंकार मिटने के बाद फिर बोध होगा। बोले ये अशास्त्रीय है, जैसे बोध होगा वैसे अहंकार शरीर का मिट जाएगा, मैं शरीर हूँ ये भ्रांति मिट जाएगी। कोई सोचे कि पहले ये भ्रांति मिटे और बाद में हमको बोध हो, ये संभव नहीं है। जैसे बोध होगा वैसे ये भ्रांति मिट जाएगी, क्योंकि जितने दुख का कारण है अशांति है वह अज्ञान के कारण ही है, अविद्या के कारण है। और जब तक अविद्या है अज्ञान है तब तक ये सारे दुख बने रहेंगे। अविद्या मिटेगी और अविद्या निश्चित रूप से विद्या से ही मिटेगी। अविद्या जैसे अंधकार प्रकाश से ही मिटता है वैसे अविद्या विद्या से ही मिटती है। और कौन सी विद्या, ये अपनिषद विद्या या विद्या सविमुक्तये, जो मोक्ष देने वाली विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसी विद्या से ही अविद्या मिटती है। और जब उस विद्या से अविद्या मिटेगी तो निश्चित रूप से फिर शरीर का अहंकार नष्ट हो गया। तो कहते मन निष्ठता बुद्धिर, तो दम किसका नाम है, दम नाम भगवान यहां कह रहे हैं दम इंद्रिय संयम, दम उसी का नाम है जो इंद्रिय संयम है। अगर इंद्रिय, क्योंकि सम जैसे सम श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं समह मन निष्ठता बुद्धे न तो शांति मात्रम, केवल शांति मात्र नहीं है दसम मन निष्ठा है वाले का नाम ही दम इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम है न कि चौरादि दमनम,
चौर्यादि दमनम का किसी चोर ने चोरी की और चोरी किया तो बोले मैंने उसका खूब दमन किया, खूब पिटाई की, उस पर अनुशासन किया। किसी पर अनुशासन, दूसरों पर अनुशासन करने का नाम दम नहीं है। पुरुष आदि अनुमुख के हमारे दम पर, हमारे अनुशासन पर अमुख चलते हैं। सच्चा दम है कि हमारा, हमारी इंद्रियों में अनुशासन है। हमारा इंद्रियों में अनुशासन का ही प्राय, हम बोलना चाहे तो जीव बोले। कई बार हम देखते हैं कि बोलना तो नहीं चाह रहे थे किंतु बोल गए। हमने तो अनुभव किया है कई बार कि इंद्रिय गुलामी कैसी होती है। गुरुजनों ने मना भी किया कि ये बात बोलना मत, इससे बहुत कष्ट होगा उनको। और इंद्रिय गुलामी इतनी है कि घुमा फिरा कर जब तक बोल नहीं दिया तब तक शांति ही नहीं मिली। ये हमारी कमजोरी है अपनी। आज मैंने श्लोकों का चिंतन कर रहा था, देख रहा था कि इंद्रिय हमारे संयम में है कि हम इंद्रियों के बस में। अरे जो बोलना है वही बोला जाए, जो सुनना है वही सुना जाए, जो चखना है वही चखा जाए। ये, और यदि ध्यान दीजिएगा, मन को यदि इंद्रिय मानते हैं तो जो संकल्प विकल्प अपने आप न करें, जो हम संकल्प विकल्प करें वो, ऐसा दम हो, हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो, न कि चोर आदि दुष्ट आदि हमारे बस में हो, दुष्टों पर हमारा अनुशासन हो। तितिक्षा विहित दुखस्य संवर्षः सहनम न भारादेह। ये तितिक्षा किसे कहते हैं? तितिक्षा दुख सहन करने को। महर्षि ने तो एक बड़ी रसीली बात की, और हम लोग भी गांव के हैं इसलिए जानते हैं, जब गन्ना बोया जाता है या धान जब बोए जाते हैं उस समय बहुत तेज धूप होती है और वो धूप बड़ी कष्टदायी होती है, किंतु किसान उस धूप को सहता है कि नहीं सहता है? पसीना टपकता रहता है। हम तो शुरू शुरू में जब ट्रेनों की यात्रा की थी तो भयंकर गर्मी में एक बार हमको महाराज इंजन में ही गाड़ी, जो गाड़ी खींचता है इंजन, वो कोयले से चलता था इंजन, तो एक दो व्यक्ति रहते थे जो भट्टी में कोयला झोंकते रहते थे। इतनी भयंकर गर्मी और कोयला झोंकते थे उसमें, और उसकी आग निकलती पसीने पसीने, वहाँ कोई पंखा भी नहीं है। अब वो सह रहे कि नहीं सह रहे? उस गर्मी को सह रहे, किंतु सहने का नाम तितिक्षा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि वो तितिक्षा कर रहा है, या कोई भार ढो रहा है सह रहा है तो तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा नाम किसका है? हमारे श्रीधर स्वामी पाद इसका अर्थ खोलते हैं, तितिक्षा विहित दुखस्य, जो विहित दुख है अर्थात आत्म प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो विहित कष्ट सहना है, तप करना है, उसका नाम थे। ये नहीं कि हमारे संसार में, हम कई बार लोग सहते, व्यापारी लोग, सामने वाला ग्राहक गाली भी दे रहा है, तू चोर है, लुटेरा है, तभी कहते हैं तू तो मेरा सेठ है, तू तो सेठ है, अब सेठ जी आप ठीक कह रहे हैं। नाराज नहीं होता, अंदर से गुस्सा आता है, किंतु जानता है कि जिस व्यापारी पर नाराज हो गए तो फिर ये सौदा देने वाला हमको नहीं है। तो वो जो सहना है वो तितिक्षा नहीं है, वो तो संसार के लाभ के लिए सहना हो गया कि भाई ये नाराज हो जाएगा। हम देखते हैं कई बार जिससे लाभ होने वाला होता है उसकी सही जा, तो कहते हैं ना विहित, जो विहित दुख से सहनम समर्षा सहनम भार न भारादे। सीधा स्वामी कहते भारादि के सहने को नाम तितिक्षा नहीं है। जो मोक्ष प्राप्ति में जो सहना है, सच्चा सहना वही है। किंतु धृति किसका नाम है? धृति कैसे, किसे कहते हैं? जीहोपस्थोर जयो वेग धारणम, न वेग धारणम धृति। वेग के धारण करने का नाम धृति नहीं। जैसे लघुशंका आदि को कोई रोक ले, कहे कि भाई इतने घंटे तक लघुशंका हम रोके रहे, मल रोके रहे, तो हम बड़े धैर्यशाली, वो धैर्य नहीं है। धृति किसका नाम है? जीवा और उपस्थ, मूत्रेंद्री और जीवा के स्वाद को हम रोक सकें, उसमें संयम कर सकें, क्योंकि यही ज़्यादा दुनिया में भटकाती है। एक महापुरुष तो कहते थे जिसने दो को जीत लिया उसने संसार जीत लिया, जिसने मूत्रेंद्री जीत ली और जीवा इंद्री जीत ली, जिसने दो को जीत लिया उसने संसार जीत लिया।
दो पर अनुशासन रखे और जी पर। एक अभी आज मैं चिंतन कर रहा था कि दम भी इंद्रिय संयम है और दोनों ये इंद्रियां ही हैं, जीभ भी इंद्रिय है, मूत्रेंद्रिय भी है, तो जब दम में आ गया तो भगवान को ये धृति अलग से दोनों पर जोर क्यों दिया गया? इन इंद्रियों जो और अन्य इंद्रियां हैं उन अन इंद्रियों की अपेक्षा ये दो इंद्रियों पर जीतना बहुत कठिन है, और जिसने इनको जीता है उसी ने सबको जीता है, इसलिए उस पर बहुत जोर दिया गया। ये दोनों बातें हैं, जीभ में स्वाद भी है और जीभ में बोलना भी है, दोनों बातें हैं। स्वाद पर जीते रसे जितम सर्वम, जिसने रस पर विजय प्राप्त कर ली, रस को जिसने जीत लिया, ऐसे महाराज जो उपस्थ इंद्री पर भी विजय प्राप्त कला उसी का नाम धृति है। इस प्रकार से भगवान जो एक एक वाक्य में प्रश्न पूछे हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से, और भगवान उसका निरूपण कर रहे हैं, क्रमशः उसकी चर्चा करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री गिरधर गोपाल भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।